हेलो गाइस, वेलकम बैक टू एपेक्स स्टडीज़। स्वागत है आप सभी का एपेक्स स्टडी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं भारत का स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित महत्वपूर्ण 50 प्रश्नों को, जो कि आपके परीक्षा पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट साबित होगा। वीडियो शुरू करने पहले मैं कहना चाहूँगा दोस्तों, यदि आपने हमारे चैनल एपेक्स स्टडी को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन के ऑल बटन को भी प्रेस कर लें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। प्रश्न, मिस्टर जिन्ना ने किस योजना को सड़े अंग कटे और दीमक लगे पाकिस्तान की योजना कह के अस्वीकार कर दिया। ऑप्शन हैं ए क्रिप्स प्रस्ताव, बी साइमन रिपोर्ट, सी राजगोपालाचारी योजना या फिर डी कैबिनेट मिशन योजना। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों सी राजगोपालाचारी योजना को। प्रश्न क्रमांक दो, 18 फरवरी 1946 को जल सेना के द्वारा खुला विद्रोह कहाँ पर किया गया। ऑप्शन हैं ए गोवा में, बी बम्बई में, सी त्रिवेंद्रम में या फिर डी कराची में। सही जवाब होगा बी बम्बई में। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। प्रश्न क्रमांक तीन, इंडियन मुस्लिम लीग की स्थापना कब की गई थी। ऑप्शन हैं 1904 में, बी 1905 में, सी 1906 में या फिर डी 1907 में। सही जवाब होगा सी 1906 में। प्रश्न क्रमांक चार, गांधी जी ने सर्वप्रथम भारत में अपना सत्याग्रह का प्रयोग कहां पर किया। ऑप्शन हैं ए अहमदाबाद में, बी चंपारण में, सी खेड़ा में या फिर डी नोआखाली में। सही जवाब होगा बी चंपारण में। प्रश्न क्रमांक पाँच, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न। ऑप्शन हैं ए लॉर्ड कैनिंग, बी लॉर्ड कर्जन, सी लॉर्ड डफरिन या फिर डी लॉर्ड वेवेल। सही जवाब होगा सी लॉर्ड डफरिन। प्रश्न क्रमांक छः, गांधी जी द्वारा किस पत्रिका का संपादन किया गया। ऑप्शन हैं ए संवाद कौमुदी, बी अमृत बाजार पत्रिका, सी हरिजन या फिर डी ट्रिब्यूनल। सही जवाब होगा सी हरिजन। प्रश्न क्रमांक सात, संपूर्ण राष्ट्र में प्रथम स्वाधीनता दिवस कब मनाया गया। ऑप्शन हैं ए 26 जनवरी 1928 को, बी 26 जनवरी 1930 को, सी 26 जनवरी 1931 को या फिर डी 26 जनवरी 1940 को। सही जवाब होगा बी 26 जनवरी 1930 को। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित 50 प्रश्नों का महत्वपूर्ण वीडियो मैं पहले भी डाल चुका हूं दोस्तों। इसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और वीडियो के इंड स्क्रीन में भी आपको देखने मिल जाएगा। उस वीडियो को भी जाके आप जरूर देख लीजिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, आठवें क्रम का द्विराष्ट्र सिद्धांत का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया। ऑप्शन हैं ए सर सैयद अहमद खां, बी मोहम्मद अली जिन्ना, सी चौधरी रहमत अली या फिर डी इनमें से कोई नहीं। द्विराष्ट्र सिद्धांत का प्रतिपादन जो है सी चौधरी रहमत अली के द्वारा किया गया था। नौवें क्रम का प्रश्न है दोस्तों, मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान की मांग का प्रस्ताव सर्वप्रथम कब रखा। ऑप्शन हैं ए 1929 में दिल्ली में, बी 1930 में इलाहाबाद में, सी 1940 में लाहौर में या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो ये लोगों ने जो है पाकिस्तान चाहिए करके 1940 में लाहौर में यह प्रस्ताव रखा था। दसवें क्रम का प्रश्न है, जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में सर का खिताब किसके द्वारा वापस कर दिया गया। ऑप्शन से दोस्तों ए महात्मा गांधी, बी रविंद्रनाथ टैगोर, सी बकिम चंद्र ने या फिर डी लाला लाजपत राय ने। सही जवाब होगा बी रविंद्रनाथ टैगोर ने। ग्यारहवें क्रम का प्रश्न है दोस्तों, गीता रहस्य के लेखक कौन हैं। ऑप्शन हैं राजा राम मोहन राय, बी लाला लाजपत राय, सी बाल गंगाधर तिलक या फिर डी महात्मा गांधी। सही जवाब होगा सी बाल गंगाधर तिलक। बारहवें क्रम का प्रश्न है, केसरी और मराठा पत्रों के संपादक कौन थे। ऑप्शन हैं ए लाला लाजपत राय, बी बाल गंगाधर तिलक, सी सुरेंद्रनाथ बनर्जी या फिर डी सुभाष चंद्र बोस। अगला प्रश्न है दोस्तों, ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की स्थापना कब की गई थी। ऑप्शन हैं ए 1850 में, बी 1851 में, सी 1853 में या फिर डी 1855 में। सही जवाब होगा बी 1851 में। अगला प्रश्न है दोस्तों, बंगाल में क्रांतिकारी नेताओं द्वारा किस संस्था की स्थापना की गई।
ऑप्शन हैं ए अनुशीलन समिति, बी अभिनव भारत, सी भारत माता सोसाइटी या फिर डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब होगा ए अनुशीलन समिति। 15वें क्रम का प्रश्न है, विदेशों में क्रांतिकारी कार्य करने वाले प्रमुख नेता कौन थे। ऑप्शन हैं ए श्यामजी कृष्ण वर्मा, बी लाला हरदयाल, सी भाई परमानंद, डी ये सभी। सही जवाब होगा डी ये सभी। अगला प्रश्न है दोस्तों, पूना समझौते की प्रमुख व्यवस्था क्या थी। ऑप्शन हैं ए सामान्य निर्वाचन क्षेत्रों में से दलित वर्गों के लिए कुछ निश्चित संख्या में स्थान सुरक्षित रखे जाएं, बी केंद्रीय व्यवस्थापिका में भी सामान्य स्थानों के लगभग 20% स्थान दलित वर्गों के लिए सुरक्षित रखे जाएं, सी दलित वर्गों को उनकी शैक्षणिक योग्यता के आधार पर स्थानीय संस्थाओं व सार्वजनिक सेवाओं में उचित प्रतिनिधित्व प्रदान किया जाए, और डी उपयुक्त सभी प्रावधान। तो पूना समझौता में जो है उपयुक्त सभी प्रावधान डी जो है सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसके द्वारा की गई। ऑप्शन है ए राजा राम मोहन राय, बी स्वामी विवेकानंद, सी स्वामी दयानंद या फिर डी श्रीमती एनी बेसेंट। सही जवाब होगा बी स्वामी विवेकानंद। अगला प्रश्न है दोस्तों, लीग ने पाकिस्तान की प्राप्ति के लिए सीधी कार्यवाही मतलब डायरेक्ट एक्शन करने का निश्चय कब किया। ऑप्शन हैं ए 15 अगस्त 1946 को, बी 16 अगस्त 1946 को, सी 27 अगस्त 1946 को या फिर डी 26 जनवरी 1947 को। सही जवाब होगा बी 16 अगस्त 1946 को। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय स्वतंत्रता की प्राप्ति में सहायक तत्व क्या था। ऑप्शन हैं ए भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की शक्ति, बी युद्ध के बाद इंग्लैंड की कमजोर स्थिति, सी ब्रिटेन के मजदूर दलीय सरकार, डी उपयुक्त सभी तत्व। तो सही जवाब होगा दोस्तों डी उपयुक्त सभी तत्व शामिल थे। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रवाद के पिता क्या कहलाते हैं या ये क्या नहीं कौन कहलाते हैं। ऑप्शन हैं ए महात्मा गांधी, बी मौलाना आजाद, सी पंडित जवाहरलाल नेहरू या फिर डी राजा राम मोहन राय। सही जवाब होगा डी राजा राम मोहन राय। अगला प्रश्न है दोस्तों, 19वीं शताब्दी में भारतीयों की उन्नति के लिए जितने भी मुख्य आंदोलन हुए उन सब की नींव डालने वाले कौन थे। ऑप्शन हैं ए विवेकानंद, बी स्वामी दयानंद, सी राजा राम मोहन राय या फिर डी लाला लाजपत राय। तो आपको जान के हैरानी होगी, ऑप्शन हैं सी राजा राम मोहन राय। अगला है, यंग बंगाल आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे। ऑप्शन हैं दोस्तों ए राजा राम मोहन राय, बी लुई विलियन डिरोजियो, सी बकिम चंद्र, डी अरविंद घोष। सही जवाब होगा बी लुई विलियम डिरोजियो। अगला प्रश्न है दोस्तों, ब्रह्म समाज को जनप्रिय बनाने में बहुत बड़ा काम किसने किया। ऑप्शन हैं ए केशव चंद सेन, बी दाता भाई नौरोजी, सी अरविंद घोष या फिर डी रामकृष्ण परमहंस। सही जवाब होगा ए केशव चंद्र सेन। अगले क्रम का प्रश्न है, सत्यार्थ प्रकाश ग्रंथ किससे संबंधित है। ऑप्शन हैं ए यंग बंगाल, बी प्रार्थना समाज, सी ब्रह्म समाज या फिर डी आर्य समाज। इनमें से किस समाज से संबंधित है। सही जवाब होगा डी आर्य समाज, दयानंद सरस्वती जी के द्वारा ये लिखा गया था। अगले क्रम का प्रश्न है, स्वदेशी राज्य चाहे वह कितनी ही त्रुटियों से पूर्ण हो, अच्छे से अच्छे विदेशी राज्य से कहीं अधिक अच्छा है। और ये वर्तमान में अगर देखा जाए तो चरितार्थ भी होता है देश पे, यह कथन किसका है। ऑप्शन हैं ए बाल गंगाधर तिलक, बी लाला लाजपत राय, सी स्वामी दयानंद सरस्वती या फिर डी राजा राम मोहन राय। सही जवाब होगा सी स्वामी दयानंद सरस्वती।
अगले क्रम का प्रश्न है, और यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भैया नीचे जो सब्सक्राइब बटन दिख रहा है उसको टच कीजिए, कई सारे ऑप्शन खुलेंगे, उसमें ऑल जो है उसको प्रेस कर लीजिए। बंगाल प्रेसिडेंसी में स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ करने वाले कौन थे? ऑप्शंस हैं ए विवेकानंद, बी राज नारायण बसु, सी गोपाल कृष्ण गोखले, या फिर डी महात्मा गांधी। सही जवाब होगा बी राज नारायण बसु। अगला प्रश्न है, स्वदेशी आंदोलन के सिलसिले में पंजाब में सबसे पहले किसका नाम लिया जाता है? ऑप्शंस हैं ए राम सिंह कुका, बी लाला लाजपत राय, सी सरदार भगत सिंह, या फिर डी हरदयाल। सही जवाब होगा ए राम सिंह कुका। अगले क्रम का प्रश्न है, इंडियन सिविल सर्विस की परीक्षा पास करने वाले भारतीय कौन थे? ऑप्शंस हैं ए रविंद्रनाथ ठाकुर, बी सुरेंद्रनाथ बैनर्जी, सी सुभाष चंद्र बोस, या फिर डी सत्येंद्र नाथ ठाकुर। सही जवाब होगा डी सत्येंद्र नाथ ठाकुर। सबसे पहले इन्होंने ही जो है इंडियन सिविल सर्विस ICS की परीक्षा जो है उत्तीर्ण की थी भारत में, भारतीय के रूप में। अगला प्रश्न है दोस्तों, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट 1878 तथा आर्म्स एक्ट 1889 का संबंध किससे है? ऑप्शंस हैं ए लॉर्ड कर्जन, बी लॉर्ड क्लाइव, सी लॉर्ड लिंटन, या फिर डी लॉर्ड बेवेल। सही जवाब होगा लॉर्ड लिंटन। प्रश्न, लिंटन के राज की हालत क्रांति के कगार पर खड़ी थी, यह किसने लिखा है? ऑप्शंस हैं ए मैक्स मुलर ने, बी सर विलियम वैंडरबर्न ने, सी ए ओ ह्यूम ने, या फिर डी माउंट बैटन ने। सही जवाब होगा बी सर विलियम वैंडरबर्न ने। अगले क्रम का प्रश्न है दोस्तों, भारत दुर्दशा नाटक 1876 में अंग्रेजों के राज में भारत की दुर्दशा का चित्र किसने खींचा? ऑप्शन हैं ए भारतेंदु हरिश्चंद्र ने, बी हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, सी मुंशी प्रेमचंद ने, या फिर डी उपेंद्र नाथ अशक ने। सही जवाब होगा ए भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। अगले क्रम का प्रश्न है, मोहम्मडन एल्गो ओरिएंटल स्कूल की स्थापना जिसने शीघ्र ही कॉलेज का और आगे चलकर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का रूप धारण किया में किसका योगदान महत्वपूर्ण है? ऑप्शंस हैं ए मुहम्मद अली जिन्ना, बी कवि मोहम्मद इकबाल, सी सर सैयद अहमद, और डी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। सही जवाब होगा सी सर सैयद अहमद खान। अगले क्रम का प्रश्न है दोस्तों, किस संगठन ने अखिल भारतीय स्तर पर चार्टर आंदोलन चलाने की कोशिश की? ऑप्शंस हैं ए मद्रास नेटिव एसोसिएशन, बी ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन, सी पूना एसोसिएशन, या फिर डी बॉम्बे एसोसिएशन। सही जवाब होगा बी ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन। अगले क्रम का प्रश्न है दोस्तों, ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन से कौन संबंधित थे? ऑप्शन हैं ए महात्मा गांधी एवं जवाहरलाल नेहरू, बी महादेव गोविंद रनाडे तथा फिरोज शाह मेहता, सी गोपाल कृष्ण गोखले एवं लाला लाजपत राय, डी रमेश चंद दत्त एवं बकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। सही जवाब होगा डी रमेश चंद्र दत्त एवं बकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। अगले क्रम का प्रश्न है दोस्तों, लंदन इंडिया सोसाइटी के अध्यक्ष कौन चुने गए? ऑप्शंस हैं ए दादा भाई नौरोजी, बी बाल गंगाधर तिलक, सी अरविंद घोष, डी सरदार भगत सिंह। सही जवाब होगा ए दादा भाई नौरोजी। अगले क्रम का प्रश्न है, पूना सार्वजनिक सभा के सक्रिय सदस्य कौन थे? ऑप्शंस हैं ए अरविंद घोष, बी जवाहरलाल नेहरू, सी एस एच चिपलूकर, डी सुभाष चंद्र बोस। सही जवाब होगा सी एस एच चिपलूकर। अगले क्रम का प्रश्न है, महादेव गोविंद रनाडे तथा गणेश वासुदेव जोशी का संबंध किससे था? ऑप्शन हैं ए बॉम्बे एसोसिएशन से, बी पूना सार्वजनिक सभा से, सी ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन से, या फिर डी ईस्ट इंडिया एसोसिएशन से। सही जवाब होगा बी पूना सार्वजनिक सभा से। अगले क्रम का प्रश्न है दोस्तों,
1883 में सुरेंद्रनाथ बनर्जी की गिरफ्तारी और सजा के खिलाफ तथा एल्बर्ट बिल के पक्ष में सारे बंगाल में जबरदस्त आंदोलन संगठित करने का श्रेय जो है किसको जाता है? ऑप्शन है ए पूना सार्वजनिक सभा को, बी बॉम्बे एसोसिएशन को, सी मद्रास नेटिव एसोसिएशन को, या फिर डी इंडियन एसोसिएशन को। सही जवाब होगा डी इंडियन एसोसिएशन को। अगले क्रम का प्रश्न है दोस्तों, कलकत्ता स्टूडेंट एसोसिएशन की स्थापना किसने की? ऑप्शन है ए आनंद मोहन बसु, बी ईश्वर चंद विद्यासागर, सी सुरेंद्रनाथ बनर्जी, या फिर डी अरविंद घोष। सही जवाब होगा ए आनंद मोहन बसु। क्वेश्चंस आपको कैसे लग रहे हैं कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा ताकि हम समझ पाएं आपको किस तरह के प्रश्न की आवश्यकता है। साथ ही अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन के निर्माण में प्रमुख भूमिका किसकी थी? ऑप्शन है ए विवेकानंद और दयानंद सरस्वती, बी रविंद्रनाथ ठाकुर और अरविंद घोष, सी महात्मा गांधी और मोतीलाल नेहरू, डी बदरुद्दीन तैयब जी और फिरोज शाह मेहता। सही जवाब होगा डी बदरुद्दीन तैयब जी और फिरोज शाह मेहता। अगले क्रम का प्रश्न है दोस्तों, एल्बर्ट बिल और वायसराय रिपन के समर्थन में किसने आंदोलन चलाया? ऑप्शन है ए गोरे लोगों ने, बी यूरोपियन लोगों ने, सी भारतीयों ने, डी मुस्लिम लोगों ने। सही जवाब होगा सी भारतीयों ने। अगले क्रम का प्रश्न है दोस्तों, वैदिक धर्म की महानता का प्रतिपादन किसने किया? ऑप्शन है ए स्वामी विवेकानंद, बी राजा राम मोहन राय, सी स्वामी दयानंद सरस्वती, या फिर डी रामकृष्ण परमहंस। तो इसका सही जवाब होगा सी स्वामी दयानंद सरस्वती। वेदों की ओर लौटो करके नारा दिया था इन्होंने। अगला प्रश्न है दोस्तों, 1893 के शिकागो के विश्व धर्म सम्मेलन में भारतीय संस्कृति की श्रेष्ठता की व्याख्या किसने की तथा हिंदू धर्म की दुंदुबी बजा दी, मतलब डंका बजा दिया? ऑप्शन है ए स्वामी दयानंद सरस्वती ने, बी स्वामी विवेकानंद ने, सी रामकृष्ण परमहंस ने, डी अरविंद घोष ने। सही जवाब होगा बी स्वामी विवेकानंद जी ने। ठीक है, शिकागो सम्मेलन बहुत फेमस है इनका। क्या कहा था इन्होंने, मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, ये इनकी शुरुआत की लाइन थी और पूरा सदन जो है तालियों से गूंज उठा था। अगला प्रश्न है दोस्तों, थियोसोफिकल सोसाइटी किससे संबंधित है? ऑप्शन है ए रामकृष्ण परमहंस, बी स्वामी विवेकानंद, सी राजा राम मोहन राय, या फिर डी एनी बिसेंट। सही जवाब होगा डी एनी बिसेंट। अगले क्रम का प्रश्न है दोस्तों, बुरे शासक प्रायः अनजाने में जनता के लिए वरदान बन जाते हैं, यह कथक किसका है? ऑप्शन है ए रविंद्रनाथ ठाकुर, बी मैकडोनाल्ड, सी सुरेंद्रनाथ बनर्जी, डी बाल गंगाधर तिलक। सही जवाब होगा सी सुरेंद्रनाथ बनर्जी। आप इस लाइन से सहमत है कि नहीं है? मैं तो सहमत हूँ, आप सहमत है कि नहीं है ये आप कमेंट करके बताइएगा। मैं एक आपको उदाहरण भी देता हूँ, लॉर्ड कर्जन काफ़ी क्रूर यहाँ पे रहा, सब मानते हैं, लेकिन लॉर्ड कर्जन के समय में जो है ना रेलवे का जो है विस्तार हुआ भारत में। तो इस लाइन से आप लोग कितना आप समर्थन देते नहीं देते हैं कमेंट जरूर कीजिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, इसने भारतीयों को यह पाठ पढ़ाया कि संगठन ही शक्ति है, किसने कहा? ऑप्शन है ए वर्नाक्यूलर प्रेसेक्ट, बी एल्बर्ट बिल विधेयक, सी ऑस एक्ट, ये आर्म्स एक्ट होगा, और डी विश्वविद्यालय कानून। सही जवाब होगा बी एल्बर्ट बिल। अगले क्रम का प्रश्न दोस्तों, इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? ऑप्शन है ए ओ ह्यूम, बी फिरोज शाह मेहता, सी व्योमेश चंद्र बनर्जी, डी मधुसूदन दत्त। सही जवाब होगा सी व्योमेश चंद्र बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी, डब्ल्यू सी बनर्जी के नाम से भी जानते हैं इनको। अगला प्रश्न है दोस्तों, इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना के बारे में अभयदीप मतलब कि सेफ्टी वैल्यू दृष्टिकोण के समर्थक कौन हैं? ऑप्शन हैं ए लाला लाजपत राय, बी ए ओ ह्यूम, सी एनी बेसेंट,
डी लॉर्ड रिपन। सही जवाब होगा ए लाला लाजपत राय। अगला प्रश्न है, देश हित के लिए कंधे पर रखे हुए जुए को उतार फेंको, यह कथन किसका है? ऑप्शंस हैं ए लॉर्ड डफरिन, बी ए ओ ह्यूम, सी सर विलियम वैंडरबन या फिर डी लॉर्ड लिंटन। सही जवाब होगा बी ए ओ ह्यूम। अंतिम प्रश्न है दोस्तों, इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारण क्या था, मतलब क्यों जो है कांग्रेस बनाया गया? ऑप्शंस हैं ए भारतीय राष्ट्रीय चेतना की जागृति, बी ब्रिटिश शासन के प्रति भारतीय असंतोष, सी ह्यूम तथा डफरिन के प्रयास या फिर डी भारतीय नेताओं की इच्छा एवं प्रयत्न। तो देखिए, इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारण क्या था, काफ़ी अच्छा प्रश्न है भाई, कांग्रेस क्यों बनाया गया? भारतीय राष्ट्रीय चेतना की जागृति ऐसा कुछ नहीं था, है ना। स्टार्टिंग में जो है लोग जो है देश के बारे में उतना खास सोचते नहीं थे, थोड़े बहुत दो चार लोग जो नेतागिरी करते थे वो सब अमीर वर्ग के लोग थे, है ना। तो वो लोग अपने अपने लिए अंग्रेजों को खुश करना चाहते थे, शुरू में जो नरम दल था ना वो अंग्रेजों को खुश करना चाहता था, उनको वो कह सकते हो कि गुस्सा नहीं दिलाना चाहता था, तो वैसा इनके कोई डिमांड ही नहीं थी कि देश आज़ाद करे। दूसरा, ब्रिटिश शासन के प्रति भारतीय असंतोष तो था, लेकिन कौन बनाएगा कांग्रेस, कौन संगठित होगा, ऐसा कुछ दिमाग में नहीं था। और डी है कि भारतीय नेताओं की इच्छा एवं प्रयत्न, तो मैंने पहले ही बताया कि उस वक्त के जो नेता थे नरम दल वाले, जो अंग्रेजों को खुश रखना चाहते थे, वो किसी प्रकार को उनको दुखी नहीं करना चाहते, किसी प्रकार का क्रोध नहीं देना चाहते थे, मतलब चापलूसी करते थे समझिए, तो उनकी कोई ऐसी इच्छा वगैरह नहीं था, ना ही वो कोई ऐसा कोशिश करने की सोच रहे थे। लेकिन एक ह्यूम और डफरिन के प्रयास से जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस बनाया गया, समझ गया। और क्यों बनाया गया, लोग क्या सोचते हैं ना ये उनको पता चले, इसलिए बनाया गया था। लोग क्या सोचते हैं इसलिए इसको बनाया गया था। और जो मैंने एक लाइन कही थी ना आपको, बुरे शासक प्रायः अनजाने में जनता के लिए जो है वरदान बन जाते हैं, है ना, वही चीज़ है। तो बनाए थे अपने ही हित के लिए, लेकिन आगे चल के ये अलग ही तरीके से फॉर्मेट हो गया, गांधी जी वगैरह लोग आ गए सब, और कई प्रकार के नेता सब इसमें जुड़ गए, और बाकी चल के जो है इन्होंने अंग्रेजों की धनिया वो दी। तो आशा है दोस्तों आपको वीडियो काफ़ी पसंद आएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और हमारे साथ इसी तरह बने रहिएगा। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।